हेलो स्टूडेंट जय हिंद यहाँ पर मैं फाइनली आज आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप लोगों का सीट मैट्रिक्स कैसे आपको डाउनलोड करना है और सीट मैट्रिक्स में आपका क्या क्या दिया रहता है और कितने आईटीआई संस्थान है बिहार आईटीआई में गवर्नमेंटेड और कितना ट्रेड यहाँ पर चलता है आप लोग कौन सा ट्रेड चॉइस करेंगे यह मैं आप लोगों को बताऊँगा और कितना सीट है यह भी आप लोगों को बताया जाएगा तो फाइनली वीडियो को कंटिन्यू एंड तक देखना तभी आप लोगों को मालूम हो पाएगा क्योंकि यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आई आई काउंसलिंग को लेकर के तो कंटिन्यू वीडियो पर बने रहना है और आप लोग चैनल पर नए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आप लोगों को डेली अपडेट्स मिलती है और यहाँ पर आप लोगों को सौ परसेंट सही जानकारी के साथ आप लोगों को जानकारी बताई जाती है और यहाँ पर जो भी अपडेट्स नोटिस आते हैं वो भी सबसे पहले आपको हमारे चैनल के द्वारा आपको बताए जाते हैं और यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूँ कि आप लोगों का जो आईटीआई का काउंसलिंग है वो बाईस जुलाई से यहाँ पर आप लोगों का स्टार्ट है ठीक है तो आप लोगों का मेरे कहने के अनुसार ही आप लोगों का नोटिफिकेशन जारी हुआ है तो आइए मैं आप लोगों को पूरी जानकारी यहाँ पर बता देने वाला हूँ तो यहाँ पर देखिए आप लोगों का बिहार बोर्ड का ऑफिशियल वेबसाइट दिया हुआ है यहाँ पर बिहार कंबाइंड एंट्रेंस कंपटिटिव एग्जामिनेशन बोर्ड दिया हुआ है और आप लोगों को सर्च करना है बी सी सी ई बोर्ड डॉट बिहार डॉट जी ओ वी डॉट इन ठीक है और सीट मैट्रिक्स आप लोगों को डाउनलोड करने के लिए मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ ग्रुप का आप लोग पहले ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए इसके बाद वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा या फिर आप लोग वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं तो यहाँ पर जब आएंगे तो यहाँ पर देखिए डाउनलोड सेक्शन वाले ऑप्शन में यहाँ पर फाइनली दिया गया है आप लोगों का सीट मैट्रिक्स ऑफ आईटीआई टी कैड दो तो सिंपल इसी पर आपको क्लिक कर देना है जैसे क्लिक करते हैं डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा डाउनलोड होकर आ जाएगा इसको ओपन कर लेते हैं जैसा कि फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए हमारा सीट मैट्रिक्स डाउनलोड होकर आ चुका है और यहाँ पर देखिए आप लोगों का फाइनली न्यू दिया गया है आईटीआई वाइज कैटेगरी वाइज सीट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट कोर्स ट्रेड सेशन 2024 से 25 और 24 से 26 यहाँ पर दिया गया है एक साल के कोर्स और दो साल के कोर्स तो यहाँ पर मैं फाइनली एक आईटीआई का यहाँ का दिखा दे रहा हूँ आप लोगों को और आप लोग इसे डाउनलोड कर लीजिए जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है ग्रुप का ग्रुप में ज्वाइन हुई है इसके बाद आप लोग इसे डाउनलोड कर सकते हैं तो यहाँ पर देखिए आपका दिया गया है नेम ऑफ़ इंस्टीट्यूट नेम ऑफ डिस्ट्रिक्ट ट्रेड नेम और कौन से बोर्ड द्वारा एफिलेटेड है आपका आई संस्थान एन सी और आपका कोर्स कितने साल का है वन ईयर टू ईयर और इसके बाद आपका कैटेगरी यहाँ पर दिया हुआ है जो कि कैटेगरी वाइज आपका कितना सीट है कौन से आई संस्थान में वो आपका बताया गया है ठीक है तो यहाँ पर मैं आप लोगों को आईटीआई टी आई दीघा घाट पटना का यहाँ पर आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ जो कि दिया गया है आईटीआई टी आई दीघा घाट पटना और डिस्ट्रिक्ट देखिए पटना दिया गया है ट्रेड नेम देखिए सबसे इम्पोर्टेंट आप लोगों का मेन मेन ट्रेड जो है यहाँ पर देखिए दिया गया है इलेक्ट्रिसियन फीटर इलेक्ट्रॉनिक मकैनिक्स वायरमैन मैन ड्रॉप्समैन सिविल ड्रॉप्समैन सिविल और इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक टर्नर मशीनिस्ट मशीनिस्ट ग्राइंडर ठीक है इसी प्रकार आप लोगों का बहुत सारा ट्रेड है यहाँ पर आप नीचे तक पढ़ सकते हैं और यह बहुत ही लंबा आप लोगों का लिस्ट है सभी डिस्ट्रिक्ट वाइज आप लोगों का दिया गया है ठीक है और आपके डिस्ट्रिक्ट में कितने गवर्नमेंट आई टी आई है वो भी इसमें बताया गया है और देखिए आप लोगों का यहाँ पर एस सी बी टी एन सी बी टी दिया गया है तो आप लोग जिस आई टी आई में आपका एडमिशन हो वो आप लोग यहाँ पर एन सी बी टी एस सी बी टी बोर्ड जरूर देख लीजिएगा क्योंकि आप लोग आई टी आई दो साल करेंगे तो आप लोगों का जो मार्कशीट है वो बेकार नहीं जाना चाहिए अगर आप लोग एस सी बी टी से करते हैं तो आप लोग का जो मार्कशीट सर्टिफिकेट है वो एस सी स्टेट तक ही आपका मान्य होगा अगर आप लोग द्वारा करते हैं तो नेशनल लेवल तक आप लोगों की सर्टिफिकेट्स मान होगी और यहाँ पर देखिए आप लोगों का ड्यूरेशन जो इलेक्ट्रीसियन फीटर का टू ईयर दिया गया है और देखिए यू में आपका छत्तीस सीट है और एस में देखिए चौदह सीट है इलेक्ट्रीसियन में और एस में एक सीट है ई में सोलह सीट है बी में ग्यारह सीट है और आर में तीन सीट है ई में नौ सीट है टोटल आप लोगों का नब्बे सीट यहाँ पर आया हुआ है टी में जो कि आई टी आई पटना के स्टूडेंट के लिए तो इसी प्रकार आप लोग सभी डिस्ट्रिक्ट का चेक कर सकते हैं और पता कर सकते हैं कि आप लोगों को कौन सा ट्रेड यहाँ पर चॉइस करना है और डिस्ट्रिक्ट आप लोग के डिस्ट्रिक्ट में कितना यहाँ पर आई संस्थान है उस आई संस्थान में कितने ट्रेड चलते हैं और आप लोग कितना सीट है उससे भी अनुमान लगा सकते हैं कि आप लोग का एडमिशन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा ठीक है और आगे कोई भी अपडेट्स आती है तो आप लोग बताई जाएगी अगर आप लोग कोई भी कन्फ्यूज़न कोई भी डाउट्स है तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं